हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रियलमी मोबाइल में ओटीपी नहीं आ रहा है तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऑल ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं उस सेटिंग्स में आ जाएंगे, इसी सेटिंग्स में आना है। और अब नीचे आकर मैसेज ऐप को खोजना है। तो जैसे ही थोड़ा नीचे आएंगे तो ऐप मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है, इस ऐप पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अब यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो ऐसा करने से कोई भी मैसेज डिलीट नहीं होगा। तो अब आना है बैक होम स्क्रीन पर और अब अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। तो कैसे रीस्टार्ट करेंगे, तो देखिए जो फ़ोन का पावर बटन है, जिस बटन से मोबाइल लॉक होती है, इस बटन को कुछ सेकंड तक दबाकर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही फिर से क्लिक कर देंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा, और ऐसा करने से कुछ भी डिलीट नहीं होगा, जैसे कि फ़ोटो, वीडियो, कॉन्टेक्ट नंबर, कोई भी डाटा या फिर कोई भी ऐप डिलीट नहीं होगा। और जैसे ही इतना कर लेंगे तो फ़ोन पर ओटीपी आने लगेगा। तो इस तरह आप सही कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।